फरमाते हैं हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने कानों से सुना है कि यहूदी के हक की जिब्रील ने इतनी ताकीद कि मुझे लगने लगा कि जिस तरह भाई भाई की मीरास में शरीक हो कहीं पड़ोसी पड़ोसी की मीरास में शरीक न कर दिया जाए। ये है रसूलुल्लाह की तालीम। इससे कोई बहस नहीं कि पड़ोसी का धर्म क्या है, दीन क्या है, नहीं, उसकी दीवार तेरी दीवार से मिली है, तू पाबंद है उसने मामले का, नहीं करेगा अल्लाह के हाथ से उसका बदला मिलेगा, ये नहीं देखा जाएगा कि वो था कौन। ये वो तालीम थी जहां मुसलमान रहता था उसके इर्द गिर्द के लोग उसके शहदाई होते थे, मरने मिटने वाले होते थे। आज मामला हमारा ये सबसे ज्यादा हमारा दुश्मन हमारा पड़ोसी है, हमारा मामला खराब है उसके साथ। मेरे भाई कौमी जहती के लिए यही तालीम है रसूलुल्लाह की, इसी से इस्लाम फैला है और इतना फैला। आपने इतनी ताकीद, हदीस में आता है जो के अतीम रात उन बेकसरत सलाती है वो भी कसरत सियामी है वो भी कसरत सदकती है गैर अन्हा या रसूलुल्लाह तूजी जा रहा है बिनिसानिया फकाल ही अफिन्ना। एक औरत का जिक्र किया गया, या रसूल अल्लाह बड़ी नमाजन है, अलबत नमाजी पढ़ती रहती है, या रसूल अल्लाह बड़ी रोजेदार है, रोजाना रोजे पर रोजे ही रखती है, या रसूल अल्लाह उसके घर मांगने वाला फकीर आता है खाली भी नहीं आता, लेकिन या रसूल अल्लाह जबान बड़ी खराब है, अपनी पड़ोसन का नात का बंद करे रहती है। अल्लाह के नबी ने फौरन फैसला फरमा दिया या फिन्ना, ये जहन्नम में जाएगी। क्या मतलब है? नमाज रोजा सदका जब मीजान अमल में तराजू में एक तरफ रखा जाएगा, मामले की खराबी का वजन बढ़ जाएगा, नमाज हल्की हो जाएगी। और हदीस में आता है उसी मजलिस में दूसरी औरत के, या रसूल अल्लाह इन्ना बिकिल्लती सदकतिहा वो बिकिल्लती सियामिहा वो बिकिल्लती सलातिहा जुकिरती, में एक औरत जिक्र किया गया, या रसूल अल्लाह फराइज पढ़ लेती है, नफल तहज्जुद नहीं पढ़ती, फर्ज रोजे रखती है लेकिन नफली रोजे भी नहीं रखती, या रसूलुल्लाह सदका भी कुछ उसके पास नहीं होता, अकीक थोड़ा सा कोई फकीर आता है उसे दे देती है। अकीक एक चीज होती है, ऊंटनी गर्म पकते हुए पत्थर या रेत पर कपड़ा बिछा देते हैं और जिस तरह जलेबी का शीरा टपकाया जाता है तेल में, उस तपते हुए कपड़े के ऊपर उस ऊंटनी के दूध को टपकाते रहते हैं, वो फटता रहता है, जमता रहता है, इतना मोटा बड़ा तुर्श होता है, उसे कहते हैं अरबी में आकेत। और वो घर घर में होता था, देख लोग ऊंट पालते थे, यार सुन लो बस वो ही देखा, गैर अन्हा ला तुजी जारतहा बिलसानिया, लेकिन या रसूलल्लाह वो अपनी जबान से पड़ोसन को किसी को सताती नहीं, बड़ी अच्छी अखलाक किया है, फरमाया ही फिल जन्नत, ही जाएगी जन्नत। मेरे भाई ये तो हुक्म है, और कहां तक हदीस के अंदर फरमाता है अल्लाह का नबी के पड़ोसी का हक कहां तक अदा किया जाए, फरमाते हैं इधर तकरोगा कहा करोगता हूं, अगर वो तुझसे कर्ज मांगे कर्ज दे, क्या मतलब ये कहने का तुझे हक नहीं कि तो पहला दिया था वो तो पहले दे दे फिर दूंगा, नहीं, खुदा तुझे रोज तू खर्च करता है रोज देता है, ये अल्लाह का बंदा है मांग रहा है दे इसको। फरमाते वैदा माता शैयाता हूं, अगर वो मर जाए तो ये नहीं है कि अपनी दुकान की चाबी उठाई जाकर, नहीं, अगर मर गया उसके साथ साथ जा कब्रिस्तान तक जहां जा रहा है,
शत्रु के साथ जाओ। क्यों? पड़ोसिया है। मुसलमान देखे अपने मामला को, क्या रसूलुल्लाह की ये तालीम है? फरमाते हैं इन असाबहु खैरन हन्नातहु, अगर उसके यहाँ शादी ब्याह हो जाके मुबारकबादी दे। क्या मतलब? इसका हक तुझे नहीं है कि तू भाई मेरे पास दावतनामा तो आए नहीं, मैं तू चला जाऊं। नहीं, उसका हक है, जाकर के उसे मुबारकबादी दे। वो इन असाबहु शैरन शरन हज़ैतहु, और अगर कोई दुख हो गया, किसी की मौत हो गई, कोई मुसीबत आ गई, तो जा जाकर ताजियत पेश कर उसकी। और फिर आखिर में फरमाते हैं वला तरफा जिदार का फौक जिदारी जारी का फतह सुद्दरी हाँ। और ऐ मेरे मानने वाले, ऐ मुसलमान, खुदा ने तुझे दौलत दी है, इज्जत दी है, इख्तदार दिया है, और तेरा घर, तेरा पड़ोसी रक्षा चलाने वाला है, धर्म उसका कुछ भी है। तू अपने घर की दीवार ऊंची न कर जिससे तेरे गरीब पड़ोसी की रोशनी और हवा बंद हो जाए। कहा है मुसलमान? ये इस्लाम की तालीम है। ये तो इस्लाम जंगल की आग की तरह दुनिया में फैला है। हजरत नूह अला नबीना वालेसलातु तस्लीम, नबी बने 950 साल तक नबुव्वत की तालीम देते रहे, 950 साल। आज उनका मानने वाला एक भी नहीं। और हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम कुल 23 साल तालीम है। और देख लो, सारी दुनिया के बड़े बड़े जालिम 1400 साल से इस्लाम की जड़ों को खोखला करना चाहते हैं। भाई 1400 साल से आज तक तो इस्लाम बिगड़ा नहीं है। और हमारा ईमान और अकीदा यह है कि जालिम मरते रहे, नापैद होते रहे, और हर जालिम नापैद हो जाए, इस्लाम जिंदा और सरसब्ज शादाब रहा है और रहेगा इंशाअल्लाह। तो इस्लाम अपनी तालीमात से जिंदा है। मुसलमान ने उन तालीमात को अपनी जिंदगी में उतारा नहीं। मेरे भाई, अपनी जिंदगी को साफ करो। ये है सीरत मुकद्दसा। सिर्फ किससे सुन लेना और ये समझना कि सीरत हो गई, नहीं, इसको अपनी जिंदगी में उतारो। फरमाते हैं आखिर में वल्कफ़ अनिल महारिम वद्दिमा, फरमाते हैं गुनाहों से बचो, ये तालीम दी, और किसी का खून मत बहाओ। अल्लाह अकबर। और अगर खून बहाता है, चाहे वो मजलूम अपना धर्म कुछ भी रखता हो, इसका कोई बहस नहीं। अगर तूने बगैर हक के किसी को कत्ल कर दिया, कुरान कहता है फका अन्नमा कतल अन्नास जमीअ, ऐसा है जैसे सारी दुनिया की इंसानियत को कत्ल कर डाला है, चाहे धर्म कर दियो। और अगर कोई अल्लाह का सच्चा पक्का मानने वाला है और उसे कत्ल कर दिया, अल्लाह अकबर, अल्लाह को इतना गुस्सा है कि ठंडा होने को नहीं आता। फरमाते हैं वमन कतल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, जिसने किसी अल्लाह के सच्चे बंदे को कत्ल कर दिया, जो अल्लाह को एक मानता था, रसूलुल्लाह को अल्लाह का रसूल मानता था, और उसे कत्ल कर दिया, फरमाते फजज़ाउहु जहन्नम, उसका बदला जहन्नम है। कोई कम चीज है जहन्नम? लेकिन अल्लाह का गुस्सा ठंडा ने खालिदन फीहा, फरमाते हमेशा जहन्नम में रहेगा, फिर भी गुस्सा ठंडा ने, फरमाते हैं वो ग़ज़ब अल्लाहु अलैहि, उस पर अल्लाह का ग़ज़ब हो गया, फिर भी गुस्सा ठंडा नहीं, फरमाते हैं वो लानतु, उस पर अल्लाह की लानत है, फिर भी गुस्सा ठंडा नहीं, फरमाते वो अअद्दलहु अज़ाबन अज़ीमन, जरा दुनिया तो बदले का घर नहीं है, जरा मर कर आए हमारे यहाँ, अल्लाह ने उसके लिए बड़ा